सलावात। अब आपके सामने इश्क की इस नमाज जिसका टाइटल अलमदारे करबला है, जिक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं सैयदुज़ाकरीन सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब आप थंग, इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत सैयद आमिर अब्बास रबानी साहब, और ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला 12 बजे तक जारी रहेगा। दुआ करें कि मौला बानी के जलसा अलमदारे करबला सैयद असनात शाह साहब सैयद तोकीर बास काजमी सैयद आउन शाह सैयद अली रजा शाह सैयद सजा साहब के रिजक वक्त में इजाफा फरमाए। सादात ने जो अलादारी का सिलसिला शुरू किया है इनकी नस्ल में इसी तरह जारी हो सारी रहे। सादात की दुआओं की कबूलियत के लिए और अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर नाराए रिसालत कुले ईमान नारा हैदरी पीर सैयद मुश्ताक शाह साहब रहीम। अल्लाह हाफिजी मोहम्मद अमामी व अली यो खालफी वल फाउती में तुफाव कर रासी वल हसन जमीनी वल हुसैन यसारी हाउला हिसारी हिसारो अहली व माली व जिरानी व जिदारी व बिरहमतिका या सलवात पढ़ो सरकार दी जात मजलिस दी कबूलियत वास्ते बुलंद सलवात पढ़ो। इमाम जमाना बादशाह दे ज़हूर वास्ते बुलंद सलवात पढ़ो। मौला कायनात मोहम्मद और आल मोहम्मद सदका मेरे भाइयों की ये मेहनत अपने दरबार कबूल फरमाए। खर्च अखराजात नजर न्याज सारे मालिक कबूल फरमाए। दुख परेशानियाँ 14 दा सदका मालिक दूर फरमाए। इतफाक नसीब फरमावे तुहाडा टोराया साईं कबूल फरमावे सादा पढ़िया साईं कबूल फरमावे। इमाम जमाना बादशाह दा ज़हूर होवे और सारिया अखा वेखें जुल्म मिटदा किवें हक दे डंके वजदे किवें। पाकिस्तान सलामत रहे सारी फौज सलामत रहे। मालिक मुसलमाना नू इतफाक ना रहन की तौफीक अता करे। जेडे हुण तुसा आए बैठे हो तुसा सीधा वेखो इंशाअल्लाह मिंबर नजर आ सी ते उत्ते इमाम हुसैन दा तुहानू ज़ाकिर नजर आ सी। जेड़ा तुसा सजे खब्बे वेखदे हो ना मुँह मैदे ते वेखदे इहो हो ए गल चंगी नहीं। सलवात पढ़ो मैं नौकरी शुरू कर। अस्सलाम
अशरा फेरे अंबिया वल मुरसले न सलवा खत्म कर दे। मेरे भाई दे कुछ हुक्म है भाई असनाद शाह दे, कुछ मैं किसे रंग पूरे करदा कुछ किसे रंग ते हिक मैं अपनी मर्जी करे सा, क्योंकि साल तो बाद इस मजलिस दा इंतजार होंदा है पढ़ाने वाले नूं सुनने वाले नूं पढ़ाने वाले नूं ते पूरी दुनिया के मशहूर है मजलिस दा सफर। मैं कसीदा पढ़ने लगा हूँ फेटे भाई स्पीकर तेरा जी मैं इंशाल्लाह स्पीकर तेरा हूँ ठीक है हाँ इधर बैठ हाँ ठीक मैं ओ मालूम मैं ओ चले दा सलवार पढ़ो सरकार दी जात भाई ने आख्या कि तैयारी सुना मैं तैयारी कसीदा पढ़ना शायदा दी तैयारी दा कसीदा ठीक है ना ये रंग ही तो वखरा ही है ना। आका हुसैन अलैहि सलाम नू मदीने दे गवर्नर वलीद बिन उतबा सदिया रात दे वेले मौला हुसैन अलैहि सलाम पहुंच गए कुर्सी ते बैठे पूछया वलीद क्यों सड़े उसके साई तुन पता है मैं इतने अपनी मर्जी नाल नहीं बैठा मैनू शाम वाले इतने भावे एक तो मैं ये दसना ही जो यजीद का प्यो मर गया तख्त वो आप बह गया उस खत लिखिया तो पढ़ो सरकार ने फरमाया वलीद मैनू हुसैन आ दे लिखींदा रहा है हुसैन पढ़ता रहा उस जुरत की तू पढ़ के ते फिर सोचिया ही नहीं मैनू सड़े बैयत मंगदे सुन वली मुल जैसा उस जैसे दी बैयत नहीं कर सकता ये हूँ सारे सुने हर मोमेंट जानते सारी कौम के बच्चे ही जानते इस जुमले नू कि मौला ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। आज वो फर्क दस रहे पीर मुजफ्फर शाह जी बड़ा मवाली मलंग सैयद मैं आज दस रहे कि मौला ने मुझ जैसा कहनू आख्या और उस जैसा कहनू आख्या है इजाजत पढ़ा कसीदा खालिस खालिस मजमात सुभान अल्लाह ते मैं सवेरे सवेरे पढ़ लवा मौला हुसैन अलैहि सलाम ने जड़ी गल की थी तवज्जो है ना हा के सरा फिर आने के मोसा भला बेअत करे के सरा फिर आने के मोसा भला बेअत करे के सरा फिर आने के मोसा भला बेअत करे
सैयद सैयद अज वेखना है वह बंदा केड़ा है जड़ा हो वही मोमिन वत मुंह घुट के बैठा रहे वत साडे आवन का फायदा ही कोई नहीं पढ़ने का ही कोई नहीं तवज्जो करे सरकार फरमाते जानता है ओ वलीद मैं कौन आ ओ कौन है अदा जानना फरमाया नहीं जानता अज मेरे कुल सुन अदा सुनाओ मौला पे फरमाते सुन मैं कौन आ तेरा बटका यजीद कौन है आका पे फरमाते मेरी वलदी अते अली है वो है इब्ने लापता सुभान अल्लाह आका फरमा रहे सुन मैं कौन आ तेरा प्यू यजीद कौन है आका फरमा रहे मेरी वलदी अते अली है वो है इब्ने लापता भाई हसनात शाह सिर्फ बानी ते थानेदार नहीं जाकर भी है मैं भी सुनी है मजलिस भाई जहीर शाह भी सुनी तवज्जो सोनी मजलिस सैयद पढ़ते गल करी प्यादा मौला हुसैन अलैहि सलाम वली दे पास दे क्या दिन सुन मैं कौन आ तेरा प्यू यजीद क्या है आका पर फरमाते फर्क वेख मेरी वलदियत अली है वो है इब्ने लापता चार आदमी बच गए चार ये वे बादशाह नाल तुसा लड़ ले सो वो ढेर मुल्कां दा बादशाह है हुसैन तू किवें लड़ से सरकार ने फरमाया ओदी बादशाही तेनू झूठी नजर आंदी ते मेरी बादशाही भुल गए
सरकार फरमाते हैं ओ तनु याद है सुन मैं कौना आका पर फरमाते हैं हो जाते रबे जले हो नाएबे यजदान हो बिस्मिल्लाह आ बात है सरकार पर फरमाते हैं हो जाते रबे जले हो नाएबे यजदान बाजू थले ना रवे खुमे गजीर के भी चुकया गया सलामत रहो मंडी बहाउद्दीन पूरे मुल्क का मजमा आवन वाले अजे आया नहीं क्योंकि आगाज मैं कर रहा इब्तदा है पर जड़े बैठे सारे खालिस बैठे खालिस शेर ऐसा पढ़ रहा जरा हाँ खाल तेरिया जिंदगी तेह जी मजलस पढ़ी मैनू कबर दी कदा ताई नहीं बोलनी तेरिया जिंदगी एक सलवात पढ़ो सरकार दी जात ते बुलंद आवाज ना हुण वलीद उठी खलोता है वलीद अद है हुसैन मैं क्या सुन रहा तू बैयत करे तो ला इलाकी थी फरमाया हाँ एक इस तरह अल्लाह नाल तेरा की हो जाए अल्लाह के की हो जाए वास्ते मौला फरमाया इयो ते तेरे मुंह वा खावना चाहता जे आखरी तक सुन अल्लाह दे नाल मेरा की हो जाए वास्ते मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सुन मैं हुन रे किबरिया मैं इसमें हूं जिंदगी सरकार पर फरमाते हैं मैं हुन रे किबरिया मैं इसमें हूं वहदात है मैं हुन रे किबरिया मैं इसमें हूं वहदात है ये जो मेरा हाथ है समझो खुदा बिस्मिल्लाह
आबाद रहो। सरकार तो फिर मैं नूरे के बेलिया में जाते हैं, नूरे के बेलिया में जाते हैं। ये जो मेरा हाथ है समझ खुदा का हाथ है, इसका मतलब है कि शैतान की बुहारी नहीं लुआई पाकिस्तान मुजफ्फर शाह की है मेरे नाल मर गया करके सलाम मिंबर ते बैठे जिंदगी तुसां वेखो मैं आंदा कि मौला तख्त बैठे ते मलंग आख्या सुबहान अल्लाह सैयद सोना ही लगदे ते हकदार नू हक ही मिल गए। क्या करिए आखिर इंसान है थकता वही ने रात भी लाहौर लेट ही पड़े ते लेट ही आया भाई को कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। हाँ अगर शाह जाने ते राह जाने ते सारा दिन सफर ही करना ते मजलसे ही पढ़नी है एंड वन मुजफ्फर शाह दे सियाल कोट करना ते मौला मिंबर ते बैठे चंद बंदे आखे ओए होए होए अली उठे बैठे जिथे मुहम्मद बंदे हाँ जी बिस्मिल्लाह मेरा प्यारा भाई सैयद आमिर अब्बास रबानी तशरीफ गिने इतने सारे ही बानी हैं रबानी बानी हैं ते बानी हैं। हाँ कसीदा भाई सुनो ए हाथ बद्दी खलोता अल्लाह हर कई दा खालिक है जेनू 14 सजदा कर दे ओ अल्लाह थोड़ा जहा अपने आप नु संभालो उना दसे अल्लाह है उसे अल्लाह दा मैं कायल हां जेड़ा कुल्लो ना मोहम्मद दसे दे रे जेनू सजदा करे दे रे जड़ा पाक मुहम्मद दा ही खालिक है मौला अली दा भी खालिक है उस खुदा दी नमाज ही पढ़ी करो। हाँ तो मेरा भाई हौसला करो नहीं नहीं मैं सारे ओ अली आला ही नहीं जड़ा पढ़ता नहीं। हाँ मोमिन नमाज पढ़ता सोना लगता है मैं कसीदा पे पढ़दा चार मलंग बारू वधे उन्हें रात लिखा ही कसीदा उन्होंने पता ही सवेरे मुर्शिद मिंबर ते बाना बड़ी सेटिंग नाल एक बहन चार हला वेखना मुर्शिद केड़ा सोना पे लगदा वेखना केड़ा सोना पे लगदा विच एक बोलिया हुण कसीदा पढ़ो ही सही कसीदा पढ़ो ही सही हुण सारे कसीदा चाहे हाय नबी दे घर दी गल हाय नबी दे घर ते आ गई है
साहब की पढ़ी दुआ दे दो एक मकतूल खून कर बल वेच शब्बीर ने खुद दफना उमर ते शिमर पैर दी ठोकर मारी जालिम एक बच्चे नु तीर ने मार सकता तीर कमान सट छोड़े अदा जालमो तू सब बच्चा सरें दे हो ना मेरी जात बैक वेखो जदो पहली दफा तीर दठे अगू नबिया दा सुल्तान आ गया कलमा ही मेरा पढ़ दो तीर ही मेरे पुत्र मरे दो अल्लाह वत गुआली आ गया। तीसरी दफा एक परदे वाली बीबी आई लगता है वह हुसैन बादशाह की माँ सी
اے ظالم آدن تیر مار بھاوے نبی نو لگے بھاوے علی نو لگے تیر تے خیمے دے اندروں مائی چائے علی اصغر دی اماں لیکن آلیا نے آ کے اندر سر تے ہاتھ رکھا فرمایا بھرجائی جنگ نہیں کرنی اگر عورتوں تے جنگ جائز ہویا تو میں اکبر نہ مری بن گیا تو امرال قیس دی دھی ہے میں شیر خدا دی دھی ہے اللہ اکبر تیر او ہائی جدی پورے عرب قسم چاہیے کہ کئی انسان استعمال نہیں کرنے پہلے آدھے نہیں جاتا ہے بناؤ ہی نہیں بنے دے ہو بسم اللہ بسم اللہ مولا زندگی انسان نو نہیں مارنا یہ بنے آئی گھوڑے واسطے اٹھا واسطے شیرا واسطے حیوانا واسطے یا سیدہ سترہ قبول فرمائے میری مخدومہ میری نیت میں تو صاحب جان دے ہو کیویں پڑھا دے کیویں سناوا دے کیویں تو سن سے اس کمان دے دوویں سرے ملائے خیمے دے اندروں علی اصغر دی اماں حکم ماری اصغر تیر تینوں نہیں تیرے باپ نوں لگسی میں تیر اندازی جان دیا اپنے شدا آپ جلے پیو دے ہتھا تو اٹھ کے جلے آس بار وا خون بیٹھا رو دے آ جائے میرا سلام او شہید دے جڑا سجے کن کلو لے کے کھبے تجربہ ہو گیا اے ہائی علی اصغر اے ہائی سجا پاسا جتھے تیر لگے اتھے لگ کے اتھو تائی ڈردا کھڑا بھائی ناصر روایت کیویں پڑھا تسا تے پڑھ دیو میں کیا کراں میرا دل ایسا مینوں اللہ دی قسم ہے اگے امام دا بالو نہ ہوندا علی اصغر ادائی بنیا اج دے ظالم دا تیر بنیا بسم اللہ بسم اللہ حرمل ظالم قاتل روایت کریں دے میں جان کے حسین دے کولو ونج لنگیا دیکھا تیر صحیح لگے کتھے لگے کیویں لگے اے آدھے مر گیا وا حسین دے کولو نہ لگیا وا اے او ویلا ہائی جدو حسین نے بازو نال پتر جدا کر لیا اجے تیر علی اصغر دے گل چائی نکی جئی گردن موڑ کے آدھے بابا بہ بج گئی ہے پتہ نہیں شہر کون ہے جے منظر کشی کیتی ہے جے تیر دا لگنا دسے پڑھ سن سن دیو بھائی پڑھا جگر تے ہتھ رکھ چھوٹی اولاد والا میں وین کراں قیام وچوں چن میں موسم موسم
ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੀਰ ਕੱਢਣਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਣਾ ਇਹ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਇਹ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜ਼ਾਨੂ ਰੱਖੇ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਇਨ ਸਮੇ ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਲੱਗੋ ਇੱਥੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤੀਰ ਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਜੇ ਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਗਈ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹਨ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਨ ਮੱਥੇ ਦੇ ਦੁਖੇ ਪਾਸੇ ਅਲੀ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਾਮ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਇਹ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮਲੇ ਵਾਹ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਣਸੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੌਤ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਕਿਆ ਪਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਨਿਕਲੇ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਮੌਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈਏ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਮਾਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਤੁਰੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੈਯਦ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ ਦਈ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਮੌਤ ਦੀ ਹਿਚਕੀ ਲਈਏ ਸੈਯਦ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਲਗਾਏ ਅਲੀ ਅਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਲੈਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਬਦਲ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ